रानीखेत में कांग्रेस पार्टी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नारायण सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने केंद्र राज्य सरकार पर निशाना साधा। महिला जिलाध्यक्ष गीता पवार ने कहा कि वह संगठन की मजबूती के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगी। पर जो भी जिम्मेदारियां मुझे शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई हैं, मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को और विपक्ष की आवाज़ को जनता के सम्मुख ले जाऊं। और निश्चित तौर पर आज जो देश में माहौल है, जिस प्रकार से सत्ता पर बैठी हुई सरकार निरंकुश हो चुकी है और तानाशाही के बल पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, तो विपक्ष के नाते हमारे रानीखेत जिला संगठन की ये पहली प्राथमिकता है कि हम जनता के जन मुद्दों को उनके साथ खड़े होकर उनके लिए संघर्ष करें। और सत्ता पर बैठी हुई सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप जिन तरीकों से, जिन हथगंडों से सत्ता को पाना चाहते हैं, अनैतिक है, असंवैधानिक है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने संवैधानिक, नैतिक और मौलिक अधिकारों के तहत जनता के लिए सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। अब मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि कांग्रेस की विचारधारा को मैं जन जन तक पहुँचाऊँ और महिलाओं के संगठन को मैं बहुत मजबूत करूँ और महिलाएं जो हैं हमारी जीत का कारण बने। जो आने वाली लोकसभा चुनाव हैं और अन्य जो चुनाव हैं उनमें हमारी स्त्रियों की भागीदारी तो है, इनको संगठित करने के लिए क्या करेंगे आप? हमें इस पर, इसको संगठित करने के लिए मैं जमीनी स्तर पर कार्य करूंगी। अपनी प्रत्येक महिला जो है कांग्रेस की, उनमें ऊर्जा का संचार करूंगी और उनसे जन जन तक पहुँच कर संपर्क करने की कोशिश करूंगी।